एकेटीयू के सभी कॉलेजों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सूचना इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ दोस्तों एकेटीयू न्यूज़ टुडे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एकेटीयू की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। लेकर करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग आप सभी लोग ठीक होंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे एकेटीयू ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। इसमें सभी कॉलेजों को लेकर और अगर बात करें छात्रों को लेकर भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि इसमें बात करने वाला हूँ। देखिए इसमें क्या मेंशन है कि उक्त क्रम में अवगत कराना है कि आपको पता होगा कि समस्त पाठ्यक्रम यानी कि यूजी और पीजी के फर्स्ट ईयर के द्वितीय सेमेस्टर तथा बीटेक और बीफार्मा के सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में जो छात्र हैं अध्ययन छात्राओं की जो लिखित परीक्षा है, दिनांक आपको पता होगा 29 जुलाई से हो रही है, ठीक है। और उक्त सेमेस्टर परीक्षा में अध्ययन छात्राओं की जो आंतरिक यानी कि सेशनल अंकों को दिनांक 21/7/2022 तक दिनांक 5 अगस्त तक जो है। आगे क्या मेंशन है कि उपरोक्त के संदर्भ में कतिपय संस्थान द्वारा छात्रों द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार, यानी जो पहले जो डेट थी कि ट्यू, मैं इस चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि इसमें रिजल्ट से लेकर भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि दोस्तों पहले क्या पहले जो डेट थी कि ट्यू सेशनल मार्क्स भेजने की 31/7/2022 से लेकर 5 अगस्त 2022 तक थी, सॉरी, तो ये सभी कॉलेजों को लेकर, ठीक है। लेकिन इसमें आपके यानी छात्रों के रिजल्ट को लेकर भी इसमें हिडन है, यानी कि इसमें छुपा हुई है डेट कि आपका रिजल्ट कब आएगा। देखिए इसमें आगे है कि जो सेशनल मार्क्स डेट थी उसको बढ़ा के 20 अगस्त तक अपलोड करने की जो है पूर्ण तिथि बढ़ा दी गई है। आखिर ऐसा क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले एकेटीयू ने कांवड़ यात्रा को लेकर और फिर जो बीच में जो एग्जाम्स वगैरह थे जो लेखपाल वगैरह, तो उसको लेकर एकेटीयू ने जो प्रैक्टिकल डेट को बढ़ा दिया था, तो इसलिए अब 20 अगस्त तक का समय दिया है। तो आप मान के चले आपका रिजल्ट 20 अगस्त के बाद ही आएगा। 20 अगस्त का अभी तो और टाइम, आपको पता होगा कि एकेटीयू का जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा डिले होता है, 30 से 40 दिन लगता है। लेकिन आगे इन्होंने क्या बताया कि जो ERP के माध्यम से भेजने की डेट है यानी ऑफलाइन भेजने की डेट 25 अगस्त 2022 है, यानी 25 अगस्त तक जो है कॉलेजों को हर हाल में भेज देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा फर्स्ट सेकंड। देखिए दोस्तों, अभी ये लोग कि यानी फिलिप टोर के बच्चों का रिजल्ट है, कुछ छात्रों का नहीं है, तो आप लोग जाके चेक करना। पाइथन का रिजल्ट कुछ छात्रों का अपडेट हुआ है, कुछ छात्रों का जो अवार्ड था वो अपडेट हुआ है, तो आप लोग जाके चेक करना। बाकी जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं आया ERP का, तो सब्जेक्ट वाइज कुछ कुछ छात्रों का आ चुका है। बाकी आप अगर बताना है कि आपका सब्जेक्ट सेमेस्टर ब्रांच क्या है नहीं है, तो उसको लेकर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड स्टूडेंट फेज 1 फर्स्ट फेज 2 वाले हैं, उनका जो एग्ज़ाम्स हो रहा है उनका अभी रिजल्ट मांगने चलिए। अगर आपका एग्ज़ाम जिस डेट में ख़त्म होगा 22 जुलाई शायद शायद जो है एंड पेपर है, तो जिस दिन आपका पेपर ख़त्म होगा उसको कम से कम मिनिमम 1 मंथ लगेगा, 22 अगस्त से 22 सितंबर यानी मान चलिए 20 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। वैसे तो अगर मेरे हिसाब से बात करें तो आपका रिजल्ट आएगा सितंबर के बाद अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर एकेटीयू पहले कर देते तो 25 सितंबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बहरहाल 25 सितंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के तक आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। बाकी कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।